इंदौर में महिला दिवस पर विभिन्न स्थानों पर महिलाओं का सम्मान किया गया। महिलाओं के लिए इंदौर में हर थानों पर महिला डेस्क द्वारा तत्पर संज्ञान लिया जाता है। शक्ति का शक्ति के लिए समर्पण, मां अहिल्या तो कहीं सेफ सिटी अभियान बना नारी सशक्तिकरण का हथियार। खाकी और प्रशासनिक प्रयास बेटियों को कर रहे हैं आगाह। प्रशासन और पुलिस का सेफ सिटी प्रयास बना रहा महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल। नगर निगम कमिश्नर सुश्री प्रतिभा पाल द्वारा महिला दिवस पर पूरे इंदौर में सिटी बसों में सफर करने का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। महिला थाना इंचार्ज ज्योति शर्मा ने बताया कि महिलाओं के लिए हमारे पुलिस तत्पर आवेदकों को विवेचन में लिया जाता है, साथ ही हमारी महिला पुलिस इनको भी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान कर रही है, जिससे हमारी पुलिस टीम भी स्वस्थ रहे, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध तत्पर रहती है। इंदौर से वर्मा की रिपोर्ट। आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले तो महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं, और ये जो महिला दिवस है, हम लोग जो इंदौर पुलिस में जो महिलाएँ हैं अपर लेवल से लेकर कॉन्स्टेबल लेवल तक, उनके हेल्थ के क्या इश्यूज़ हैं, उनको क्या ध्यान रखना है, इस बात को लेकर हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारे बीच जानी मानी डॉक्टर्स डॉक्टर आशा बख्शी हैं, डॉक्टर स्किन की डॉक्टर गिनी छाबड़िया हैं और डॉक्टर वर्मा हैं। तो हम लोग आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन आप जैसे बहुत इजी अगर वो है तो 100 सबसे बेस्ट नंबर है। आप किसी भी समय अगर 24 चलने वाली हेल्पलाइन है वो, तो आप किसी भी समय अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप कॉल करना चाहें तो 100 हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए हाजिर है। थैंक यू सो मच। मैं महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा। जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारा संदेश यही है कि महिलाएं अपनी ताकत को पहचानें। कोई भी कमज़ोर नहीं है, बस निर्भर इस बात पर करता है कि हम अपने को किस लायक बनाते हैं। तो अपने आप को लायक बनाएं, अपनी शक्ति को पहचानें और अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ें। एक दिन आप ज़रूर मंजिल पा जाएंगे। थैंक यू। महिला सुरक्षा को लेकर के इंदौर पुलिस के द्वारा निरंतर अनेक प्रयास किए जाते रहे हैं। कम्युनिटी आउटरीच भी किया जाता है, और जो हमारा महिला बल है उसको समय समय पर हम ट्रेनिंग भी देते हैं, जो पुरुष बल है उसको भी ट्रेनिंग देते हैं, ताकि जो जो भी अपराध होता है, घटित होता है, उसकी जो रिपोर्टिंग होती है, उसके जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन हो, वैज्ञानिक तरीके से विवेचना हो, इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। और साथ में जो हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं वहाँ पर अच्छी तरह से पेट्रोलिंग ड्यूटी हो, जहाँ फिक्स पॉइंट्स लगाए गए हैं वहाँ अच्छी तरह से ड्यूटी हो, महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, इसका प्रयास इंदौर पुलिस के द्वारा निरंतर किया जा रहा है।